नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्यूचर्स का डेटा हम कहाँ से निकाल सकते हैं, क्या ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है या हमें किसी पेड रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेटा बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होता है। आप इसको बिना किसी पैसे खर्च किए इस डेटा को पुल आउट कर सकते हैं। कहाँ से पुल आउट करना है, कौन सी रिपोर्ट्स पुल आउट करनी है, उन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, एक दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम किसी भी स्टॉक में पहले पता लगा सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर हम मान लीजिए लंबी अवधि के निवेशक हैं तो इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा सवाल कि किसी भी स्टॉक की अर्निंग पर शेयर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले सवाल के ऊपर कि क्या हम किसी भी स्टॉक के अंदर पहले पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ज़्यादातर सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं वो इंडसइंड बैंक के बारे में पूछे जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ट्वीट करके सचेत किया था, आगाह किया था जब ये स्टॉक 1000 के ऊपर था कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एक डेटा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में और FIIs की होल्डिंग कितनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये जो डेटा है इसको एनालाइज कैसे करना होता है, इसके बारे में मैं आपको एक ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि आप हमें कोई ऐसी साइट बताइए या कोई ऐसा सोर्स बताइए जहाँ पर हम इस डेटा को बहुत आसानी से चेक कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि tickertape.in वेबसाइट पे ये डेटा बहुत आसानी से अवेलेबल है और यहाँ पे आप पिछले 3 quarters के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप अगर अपना एनालिसिस खुद नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो इस वेबसाइट के ऊपर आप बहुत आसानी से 4 quarters का डेटा कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एनालिसिस में मदद मिलेगी, समय बचाने में मदद मिलेगी और ये डेटा यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है। तो जैसे कि हम इंडसइंड बैंक के केस में देखें, मार्च 2019 में उनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 16.8% थी। जून के अंदर ये 16.78% होगी, 16.78% हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने 3.95% जो अपने शेयर्स हैं या जो होल्डिंग है वो प्लेज कर दी। उसके बाद दोस्तों, सितंबर 2019 में देखेंगे कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग और कम कर दी, उनकी होल्डिंग रह गई 14.38%। और उसी तरीके से दिसंबर के अंदर भी उनकी जो होल्डिंग है वो 14.38% है। तो दोस्तों, जो एनालिसिस मैंने आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले वीडियो में बताया था वो आप यहाँ पे बहुत आसानी से कुछ क्षणों के अंदर कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है या कम हो रही है, कहीं शेयर्स जो हैं प्लेज तो नहीं किए जा रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली रेड फ्लैग भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, और यहाँ पे डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से इस स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरे सवाल पे चलते हैं कि हम अर्निंग पर शेयर कैसे पता लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टैब है फोरकास्ट्स करके, जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि आप अर्निंग पर शेयर का जो एनालिसिस है वो आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी किया गया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होनी शुरू होती है तो स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि एनालिस्ट्स की क्या रेटिंग है, वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, या प्राइस फोरकास्ट क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि फ्यूचर्स का डेटा हम यहाँ पे कैसे निकालें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक लिंक के ऊपर हमें जाना होगा
ये लिंक जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे शेयर किया हुआ है nitinbhatia.in। यहाँ पे जब आप इम्पॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 8वें नंबर का लिंक है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने के बाद आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर्स के डेटा के लिए मैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहली रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि भाव कॉपी है। तो जब आप भाव कॉपी को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की एक रिपोर्ट यहां पे ओपन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि यहां इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्योंकि हम इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो FUT IDX ये वाला जो आपका ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट करिए। तो यहां पे आपके फ्यूचर के जो इंडेक्स हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। अब अगर आप यहां पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करिए। हम यहां पे निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम यहां पे निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारी जानकारी अवेलेबल है। यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है लैक्स के अंदर, ओपन इंटरेस्ट कितना है और ये ओपन इंटरेस्ट के अंदर कितना चेंज हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं फ्यूचर्स के एनालिसिस में। तो काफी दर्शक पूछते हैं ये डेटा हमें कहां से मिलेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि आप जिस भी एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, मतलब कितनी पोजीशंस क्लोज की गई हैं। लेकिन दोस्तों केवल एक रिपोर्ट देख के आप यहां कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। और मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि फ्यूचर्स का जो एनालिसिस होता है वो ऑप्शन चेन से मिलता जुलता होता है, तो हमें यहां पे और भी डेटा पॉइंट्स देखने जरूरी है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि FIIs के डेटा को देखिए। तो अगर आप FIIs के डेरिवेटिव्स के डेटा को देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट भी आपको बहुत आसानी से यहां पे अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहां पे आप ये वाली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये जो FIIs का डेरिवेटिव्स का डेटा है ये आपको समरी फॉर्म में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका कल का डेटा है। आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय किए गए, कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए गए, उनकी वैल्यू क्या है। मैं हमेशा कहता हूं मनी फ्लो को आप फॉलो करिए कि मनी फ्लो कहां पे हो रहा है। तो यहां पे अमाउंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप यहां पे देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे कितना है। तो ये FIIs का डेटा यहां पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, मैं इसका इस्तेमाल अपने एनालिसिस में करता हूं। दोस्तों यहां पे तीसरी जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो जब आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्यूचर्स के अंदर जो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन कितनी है, शॉर्ट पोजीशन कितनी है, स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन कितनी है, स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस कितनी है। और यहां पे क्लाइंट टाइप वाइज ये डेटा दिया गया है कि क्लाइंट्स DII, FII, प्रोप्राइटरी डेस्क, PRO, इनकी क्या पोजीशंस हैं इस समय। उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस का डेटा भी दिया गया है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि टोटल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं और टोटल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो है वॉल्यूम से संबंधित, पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। मैं हमेशा कहता हूं कि वॉल्यूम का डेटा काफी महत्वपूर्ण होता है, तो यहां पे वॉल्यूम देखनी हमें जरूरी है कि यहां पे जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से की जा रही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसका डेटा यहां पे अवेलेबल है। जब आप इस रिपोर्ट को पिछली रिपोर्ट के साथ एक साथ देखेंगे तो आपको लगभग सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंथली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी मंथली रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टर्नओवर और जो आपका प्रीमियम है, हमेशा आपको प्रीमियम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीमियम का डेटा भी, जो टर्नओवर है, प्रीमियम टर्नओवर का डेटा भी यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है और हिस्टोरिकल डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि 2001 के बाद का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथ वाइज। जैसे अगर हम इस महीने की बात करें तो आपको यहाँ पे डे वाइज डेटा भी मिल जाएगा। तो काफी लोगों ने कहा कि आप अपने एनालिसिस के लिए पुराना डेटा कहाँ से लेके आते हैं, पुराना टर्नओवर का डेटा कहाँ से पुल करते हैं। तो दोस्तों ये सारा डेटा यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे इसका सोर्स जो है अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जिसको आप बहुत आसानी से पुल आउट
कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर्स के लिए जिन रिपोर्ट्स का मैं इस्तेमाल करता हूं रेगुलर बेसिस पे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आप इस लिंक पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी सभी रिपोर्ट्स को भी, और यहाँ पे जान सकते हैं, हो सकता है कोई और रिपोर्ट आपके लिए काम की हो। लेकिन इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। इसके अलावा मैं और भी कई डेटा पॉइंट्स का जो है इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि टॉप 10 क्लियरिंग मेंबर वॉल्यूम्स, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे आप अगर देखना चाहें कि क्लाइंट वाइज पोजिशन लिमिट्स क्या हैं, वो डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका सवाल था कि फ्यूचर्स का डेटा हम कहां से पुल करें फ्री में, उसका जवाब मैंने आज देने की कोशिश करी। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है, एफआईआईस की होल्डिंग होती है, उसकी सहायता से आप पहले ही पता लगा सकते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। ये एनालिसिस का डेटा भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर, जिसके बारे में मैं काफी बार चर्चा करता हूं, वो डेटा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल थे, आपने जो भी सवाल रिसेंटली मुझसे पूछे थे, उन तीनों महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिए, लाइक का बटन आपको नीचे दिख जाएगा। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए इस तरह के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।